डायबिटीज़ यानी शुगर का इलाज लहसुन से। जी हाँ, आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा दोस्तों। इससे पहले भी डायबिटीज़ के ऊपर मैं कई वीडियो बना चुका हूँ। इससे पहले के वीडियो में मैं डायबिटीज़ के कुछ घरेलू उपचार के बारे में बता चुका हूँ। आज का वीडियो है सिर्फ लहसुन पर, यानी कि लहसुन से आप डायबिटीज़ का उपचार कैसे कर सकते हैं। लहसुन एक मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो खाने के स्वाद को तो बढ़ाता ही है, साथ ही कई रक्त संबंधी बीमारियों में भी बहुत ही फ़ायदा पहुँचाता है, या पेट की सारी बीमारियों में फ़ायदा पहुँचाता है। तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, लहसुन से डायबिटीज़ में कैसे फ़ायदा पहुँचता है डायबिटीज़ को, या कैसे ठीक कर सकता है, या डायबिटीज़ में किस तरह से लाभ देता है। डायबिटीज़ दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक टाइप वन, एक टाइप 2। जब आपके शरीर में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो आपको इंजेक्शन द्वारा इंसुलिन भी दिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शुगर हमारे बॉडी द्वारा पचा लिया जाता है, या कभी कभी यह मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो दोनों कंडीशन में ही दोस्तों हमें डायबिटीज़ का सामना करना पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं उपाय के बारे में। पहला, लहसुन की कलियों को हरा धनिया, पुदीना, अनार के दाने, जीरा और सेंधा नमक के साथ मिलाकर चटनी बनाकर भोजन के साथ सेवन करने से शुगर के रोग में लाभ मिलता है। दूसरा, नीम की कोमल पत्तियाँ यानी कि ताजी पत्तियाँ का रस 3 ग्राम मात्रा में लेकर उसमें 1 ग्राम लहसुन का रस मिलाकर सेवन करने से डायबिटीज रोग में बहुत ही लाभ मिलता है। तीसरा, लहसुन का 2 ग्राम रस और बेल का 5 ग्राम रस मिलाकर प्रतिदिन सुबह शाम सेवन करने से बहुत ही लाभ मिलता है। लहसुन की 3 कलियों को छीलकर पीसकर उसमें 3 ग्राम त्रिफला चूर्ण मिलाकर सेवन करने से डायबिटीज रोग में बहुत ही लाभ मिलता है। त्रिफला चूर्ण दोस्तों 3 औषधीय गुणों से मिलकर बना होता है, जिसमें आंवला प्रमुख होता है, यानी कि आप किन्हीं भी तीनों को मिला के त्रिफला चूर्ण बना सकते हैं, पर उसमें आंवला होना ज़रूरी है। मधुमेह रोगियों को कभी भी मीठे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। संतरा, नींबू, चकोतरा आदि फल सेवन किया जा सकते हैं, यानी कि जिसमें विटामिन सी हो, साइट्रिक एसिड हो, उस तरह के फल। अगर आप अनार का सेवन इसमें करते हैं दोस्तों, तो आप इसमें गोल मिर्च पाउडर मिलाकर ही इसका सेवन करें, तो ये आपको शुगर में फ़ायदा ही पहुँचाएगा। डायबिटीज रोगियों को अधिक तरल पदार्थ तो को सेवन करना चाहिए। दाल, सब्जी, दलिया व खिचड़ी का सेवन करना चाहिए। इनकी पाचन क्रिया जल्दी होती है, ये आसानी से पच जाते हैं। और डायबिटीज़ में अक्सर पेशाब बार बार लगता है, तो पेशाब को रोके नहीं कभी दोस्तों, इससे किडनी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अगर आपको मूत्र लगे तो आप तुरंत इसका मूत्र त्याग करें, ना कि इसे रोकें। और डायबिटीज़ में चूंकि बार बार पेशाब लगता है, तो इससे कई बार शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है। तो इस कंडीशन में पानी अधिक से अधिक पिए तो ही फायदा होगा, यानी कि आप ज़्यादा मात्रा में पानी पिए, तरल पदार्थ लें। अधिक तेल मिर्च मसालों का सेवन ना करें, ना ही खट्टे चीज़ों का सेवन करें। हाँ, आप नींबू, संतरा आदि का सेवन कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ उपाय जो आप लहसुन से घर में ही आसानी से कर सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आप बेल के पत्तों का सेवन भी कर सकते हैं, जो कि आपको डायबिटीज़ में बहुत ही फ़ायदा देगा। रोज़ाना 3 से 4 पत्ते खाली पेट सुबह शाम सेवन करें, और इसे खाने के आधे घंटे तक कुछ भी खाए पिए बिल्कुल ना। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलूँगा नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएँ, खुश रहें, स्वस्थ रहें।